हेलो बीजीएम माय लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, जगकास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज के दिन यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जो कल के दिन यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे उनसे अब डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, बट यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि योर अकाउंट इज़ करंटली इन एलिजिबल फॉर अकाउंट ट्रांसफ़र सर्विस। तो गाइज यहाँ पे बोलने का मतलब ये लोगों का ऐसे है कि अभी के लिए आप लोग यहाँ पे अपने डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो वो क्यों, वो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला ही था, उसमें मैंने आपको बोला ही था, तो शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं होगा कि डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस 9 तारीख तक ही थी, उसके बाद यहाँ पे टेम्प्ररी सर्विस को बंद कर दिया गया है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाऊँ, तो आप लोग देखो यहाँ पे गाइज अभी मैं BGMI की वेबसाइट के अंदर हूँ और यहाँ पे नोटिस ऑफ टेम्प्ररी शटडाउन ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करके यहाँ पे एक न्यूज़ डाली गई थी, जिसमें गाइज यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पहले 6 तारीख तक डेटा ट्रांसफ़र हो रहे थे, उसके बाद यहाँ पे डेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया था और 9 तारीख तक यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे इस जो डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस है उसको टेम्प्ररी गाइज यहाँ पे शटडाउन कर दिया गया है, इसीलिए अभी आप लोग डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो गाइज़ यहाँ पे अभी टेम्प्ररी शटडाउन है, तो आप लोग बार बार अपनी आईडी का रिस्क लेके मत करो, बार बार आईडी ट्रांसफ़र करने का ट्राई मत करना, कि वो क्या पता हम लोगों की ग्लोबल आईडी को कुछ हो जाए, हम लोग इधर के भी ना रहे और उधर के भी ना रहे, तो अभी के लिए मत करो। बट गाइज़ यहाँ पे हो सकता है तो 5 दिन में भी यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाए, 10 दिन भी लग जाए, 20 दिन लग जाए या फिर जुलाई महीना निकल जाए, बट गाइज़ यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो वापस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी, आप लोग टेंशन मत लो। बट गाइज़ उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो एक दो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसको आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर लो, जिससे डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस के लिए आप लोगों को फिर आसानी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है और इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर एडिट के अंदर जाना है। एडिट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर फ्लैग आप लोग देख लो, अगर दूसरी कंट्री का फ्लैग हो तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इंडिया का फ्लैग लगा देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे दूसरा फ्लैग लगा के बैठते हैं। और उसी के साथ गाइज यहाँ पे क्या है कि बहुत से बंदे यहाँ पे क्या करते हैं कि उनको यहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड चाहिए थे, तो उन लोगों ने अपनी आईडी को कनेक्ट कर दिया था किसी और कंट्री से, तो वो कंट्री भी गाइज आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो बेसिक्स के अंदर जहाँ पे कंट्री और रीजन का ऑप्शन है ना, वहाँ पे मेरा अभी रशिया है, तो आपकी भी कोई दूसरी कंट्री हो तो आप लोग यहाँ पे इंडिया कर लेना। और नीचे सिलेक्ट सर्वर है, तो वहाँ पे अगर यूरोप ऐसा कुछ सिलेक्ट किया हो तो वहाँ पे आप लोग एशिया कर लेना, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप लोग यहाँ पे अपनी ग्लोबल आईडी में कर लेना, जिससे डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस में आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। जो लोग का यहाँ पे फ्लैग और ये सब इंडिया का होगा ना, उनके ही डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पे अच्छे से होगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या है कि कोई कोई बंदों ने क्या किया है कि अपनी एक ही फेसबुक आईडी से वो लोग ग्लोबल की आईडी भी चला रहे हैं और KR की आईडी भी चला रहे हैं, KR वर्जन भी खेल रहे हैं और ग्लोबल वर्जन भी खेल रहे हैं, तो ऐसे बंदों को भी दिक्कत आएगी गाइज यहाँ पे आप लोगों को डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करने जाओगे ना तो यहाँ पे BGMI देखेगा कि यार इसकी आईडी तो PUBG की भी है, KR की भी है, तो फिर ट्रांसफ़र कैसे करें, कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना BGMI भी। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ऊपर की साइड अगर आप लोगों की यहाँ पे फेसबुक से आईडी हो और उसी फेसबुक से आप लोगों ने यहाँ पे ग्लोबल की आईडी भी बना रखी है और आप लोग KR वर्जन भी खेल रहे हो, तो गाइज यहाँ पे आप लोग अपने ट्विटर को लिंक कर देना। और अगर ट्विटर की आईडी पहले से आप लोगों 2 वर्जन में चला रहे हो तो आप लोग अपने किसी फेसबुक को लिंक कर देना। उसके बाद क्या करना कि जब डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस आप लोग करो ना, तो जो आईडी आपने चेंज करी होगी उसी आईडी से आप लोग डेटा ट्रांसफ़र करना, जिससे यहाँ पे आप लोगों को डेटा ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अभी के लिए रिस्क मत लेना, जैसे ही यहाँ पे कुछ अपडेट आएगा तो डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस में आपको अच्छे से दिखा दूंगी। उसके बाद चले गाइज अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे BGMI का अपडेट क्यों नहीं आएगा और आएगा तो कब तक आएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अभी यहाँ पे हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, और गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाऊँ सिंपली PUBG मोबाइल, तो PUBG मोबाइल ने यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे 3-4 दिन पहले से ही पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और इन लोगों ने यहाँ पे अनाउंस भी किया था कि आज के दिन अपडेट आ चुका है।
उसके बाद यहाँ पे मैं बाकी के आप लोगों को पबजी मोबाइल दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे पबजी मोबाइल का टर्की सर्वर हो गया। तो टर्की सर्वर वालों ने भी गाइज यहाँ पे 3-4 दिन पहले से पोस्ट डाली है, और आज भी इन लोगों ने यहाँ पे पोस्ट डाली है कि पबजी का अपडेट आ गया है 1.5 का, जाके कर लो। और गाइज बाकी एक दो सर्वर और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ ये क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखो पबजी मोबाइल का यहाँ पे जो वियतनाम वर्जन है, उन लोगों ने भी यहाँ पे बोला था कि अपडेट 1.5 आ चुका है, जाके कर लो। बट गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है ना, इन लोगों ने यहाँ पे ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं डाली कि अपडेट आ जाएगा, अपडेट 9 तारीख को आएगा। वो तो हम लोग ने ही मान लिया कि भाई ग्लोबल का अपडेट आया मतलब BGMI का भी आ जाएगा, तो गाइज ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने बोला, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो आई एम रियली सॉरी कि आज अपडेट नहीं आया। बट गाइज यहाँ पे एक और पोस्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी यहाँ पे एक बंदे ने रिप्लाई दिया है कि हम लोगों को पता है आप लोग यहाँ पे अपडेट का वेट कर रहे हो, बट आप लोगों ने देखा होगा तो कहीं पे भी यहाँ पे अपडेट की रिलीज डेट अनाउंस हुई ही नहीं है BGMI की, तो फिर कैसे मान लिया कि अपडेट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अपडेट आएगा तो ये लोग हम लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल जितना भी BGMI का है ना, सब पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ कि चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर अपडेट आएगा तो कब आएगा। तो गाइज बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की वेबसाइट पे आज यहाँ पे एक न्यूज़ डाली गई थी जिसमें हम लोगों को यहाँ पे रिलीज डेट बताई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे जो C1S1 जो हमारी नेक्स्ट रॉयल पास आने वाली है ना, उसकी रिलीज डेट यहाँ पे 14 तारीख बताया जा रहा है। मतलब इसके थ्रू मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी पबजी के अंदर रॉयल पास आने वाली है, सेम डेट को यहाँ पे BGMI के अंदर भी रॉयल पास आएगी, और रॉयल पास आएगी तो उससे पहले अपडेट भी तो आ जाना चाहिए ना। तो मतलब गाइस कहने का इतना है कि 14 तारीख से पहले आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा 13 तारीख तक, ठीक है। तो 10, 11, 12, 13 चार दिन में आपको कभी भी अपडेट देखने को मिल सकता है, और मैं तो यही होप रखती हूँ कि कल ही अपडेट देखने को मिल जाए। आखिर कब तक हम लोग भी इग्निशन मोड को इग्नोर करेंगे, है ना। तो चले गाइस आई होप आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।